हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फजी एंड जैजी किट्टी। तो फ्रेंड्स, समर के बाद आता है हमारा रेनी सीज़न, और इसी सीज़न के लिए एक नया यूनिक सा किट्टी पार्टी गेम मैं लेके आई हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। तो मेरा गेम अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बताती हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये पेपर आपको रेडी करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे फिर प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, या आप खुद भी बना सकते हो, बहुत ईजी है। एक ब्लैंक पेपर आपको लेना है। स्ट्रेट लाइंस आपको 8 लाइन ड्रॉ करनी है फ्रेंड्स, अप टू डाउन 8 लाइन और लेफ्ट टू राइट 8 लाइंस। तो 8 लाइंस ड्रॉ करने से ये होगा, इधर से इधर पूरे 9 बॉक्सेस हो जाएंगे और ऊपर से नीचे भी ये 9 बॉक्सेस रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्या करना है, ये हमारा रेनी सीजन का ये गेम है। तो इसमें मैंने अम्ब्रेला कुछ खास जगह पर ड्रॉ किया है फ्रेंड्स, और इसके सेंटर पर भी एक अम्ब्रेला ड्रॉ किया है। ये सेंटर पॉइंट हुआ हमारा, 1 2 3 4 बॉक्स इधर 4 बॉक्स इधर 4 बॉक्स इधर और 4 बॉक्स इधर। तो ये इक्वल बॉक्सेस हैं सारे तरफ, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। इस पर एक अम्ब्रेला हमने ड्रॉ कर दिया है फ्रेंड्स, और इस गेम के थ्रू हम देखेंगे फ्रेंड्स बारिश वाले मौसम में हमारा गेम हमें कहाँ घूमने के लिए लेके जाता है अपने हस्बैंड के साथ में। तो फ्रेंड्स, सेंटर पॉइंट पे एक अम्ब्रेला बनाने के बाद इसके बाहर के जो ये बॉक्सेस हैं इस पे मैंने 1 1 लिखा है फ्रेंड्स ये, और इसमें डायरेक्शन भी सेट कर दिया है। इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, इधर डाउन हो गया, इधर अप हो गया, और एक डायरेक्शन में मैंने यहाँ START स्टार्ट पॉइंट लिखा है। जो भी मेम्बर गेम खेलेंगे ये स्टार्ट पॉइंट उनकी तरफ लिखा हुआ होना चाहिए। वन के बाद जो बाहर वाले सारे बॉक्स हैं इधर से इधर, ये सारे में 2 लिखा है। उसके बाहर वाले जो सारे बॉक्स के लाइन है उसमें 3, और एकदम लास्ट वाले में यहाँ 4 लिखा है। ये सेंटर पॉइंट के अम्ब्रेला के बाद फ्रेंड्स 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये टोटल 8 अम्ब्रेला मैंने और बनाया है। आप ये किसी भी पॉइंट पर बना सकते हो फ्रेंड्स, ये हमें गेम खेलने के दौरान बोनस पॉइंट दिलवाएगा। तो इसमें ये पेपर बनाने के बाद फ्रेंड्स एक कॉइन जो होगा ये हम सेंटर पे रखेंगे गेम खेलते समय, और इसके अलावा ये 4 कार्ड बनाए हैं जिसमें 4 जगह के नाम लिखे हैं कि बारिश के मौसम में अपने हस्बैंड के साथ कहाँ घूमने जाना चाहते हैं। क्या तो हम घर पे रहना चाहते हैं, या मूवी देखने जाना चाहते हैं, या कोई हिल स्टेशन घूमना चाहते हैं, या फिर लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, गेम शुरू होने के पहले जो मेंबर गेम प्ले करेंगे, ये 4 जो डायरेक्शन है उस 4 डायरेक्शन में ये कार्ड इस तरह से उस मेंबर को रख देना है। और फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ चिट रेडी करना होगा। यहाँ पे मैंने ये चिट बनाए हैं, 20 चिट है फ्रेंड्स, जिसमें 5 चिट में मैंने ऐसे डाउन लिखा है और नीचे की तरफ एरो बनाया है, 5 में ही मैंने अप लिखा है, ऊपर की तरफ एरो है, 5 में मैंने लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट की तरफ एरो बनाया है, और 5 ही चिट में लिखा है राइट और राइट की तरफ एरो बनाया है। इसके अलावा फ्रेंड 2-4 हमें कॉइन्स की और ज़रूरत होगी, कैसे यूज़ करेंगे आगे मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। तो चलिए गेम खेलते हैं फ्रेंड्स। इस गेम के थ्रू हमें किसी भी एक डायरेक्शन से बाहर निकलना है, तभी हम अपने हस्बैंड के साथ घूमने जा पाएंगे जिस भी जगह हम जाना चाहते हैं, और किस तरह से हम बोनस पॉइंट कलेक्ट करेंगे हम ये गेम खेलते हुए देखेंगे। चलिए खेलते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये सारे को फोल्ड करके मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, फिर मेंबर एक एक करके ये चिट निकालेगा। ये कोई टाइम लिमिट गेम नहीं है, बस मेंबर्स को अपने चिट बाहर निकालने हैं, और अगर पहले ही उसके गेम में वो बाहर निकल जाता है किसी भी डायरेक्शन से तो किस तरह से पॉइंट की कैलकुलेशन होगी, चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले मेंबर एक चिट उठाएगा, खोल के हम देखते हैं क्या आया है। तो सबसे पहले चिट में लिखा हुआ है डाउन, तो यहाँ सेंटर से शुरू करेंगे और ये आएगा डाउन, यानी 1 नीचे जाना है। फिर मेंबर दूसरा चिट उठाएगा, तो ये दूसरे चिट में हमारा लिखा है राइट, तो ये राइट की तरफ 1। फिर नेक्स्ट चिट निकालेंगे एक हम, डाउन डाउन। फिर एक चिट निकालेंगे, इसमें लिखा हुआ है राइट, तो मेंबर राइट की तरफ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ खास बॉक्सेस में अम्ब्रेला बनाया था, उस अम्ब्रेला पे अगर हमारा कॉइन आता है तो यहाँ जो है, तो जो एक्स्ट्रा कॉइन्स लिए थे हमने वो एक कॉइन मेंबर यहाँ पे रख देगा, ठीक है, इसी के ऊपर ये वाला रहेगा। अब अगला चिट मेंबर देखेगा क्या आता है, तो अगले चिट में है डाउन, तो मेंबर यहाँ से ये डाउन में आएगा। फिर अगला चिट देखते हैं, इसमें लिखा है अप,
तो मेंबर वापस ऊपर चले जाएगा। फिर अगले चिट में देखते हैं, लिखा हुआ है राइट, तो मेंबर फिर राइट की तरफ आएगा। फिर अगला चिट देखते हैं, इसमें लिखा है लेफ्ट, मेंबर फिर लेफ्ट की तरफ आएगा, लेफ्ट डाउन। फिर मेंबर अगला चिट उठाएगा, इसमें लिखा है लेफ्ट, मेंबर फिर लेफ्ट की तरफ आएगा। फिर अगला चिट उठाएगा, इसमें लिखा हुआ है डाउन, तो मेंबर डाउन की तरफ आएगा। और मेंबर ये लास्ट आ चुका है, यानी कि वो इस डायरेक्शन से बाहर निकल चुका है फ्रेंड्स। उसके पहले हम देखेंगे यहाँ पे अम्ब्रेला है, तो एक कॉइन एक्स्ट्रा जो हमने रखा था वो यहाँ पे रख देंगे। और अब हम मेंबर की स्कोरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स स्कोरिंग कैसे करेंगे, चलिए वो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, टफ नहीं है बट ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे मेंबर ने अपनी पसंद से चार कार्ड रखे थे चारों डायरेक्शन में। हर एक कार्ड के पीछे में मैंने यहाँ पॉइंट्स लिख रखा था, 15, जैसे 20, 10 और यहाँ पे है 12 पॉइंट्स। मेंबर अभी इधर से बाहर निकला है, यानी कि बारिश के मौसम में वो अपने हस्बैंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहती है, तो इसके उसे मिलेंगे 15 पॉइंट्स। ठीक है, ये 15 पॉइंट्स उस मेंबर को मिलेंगे। अब तो ये 15 पॉइंट्स के अलावा उसे बोनस पॉइंट क्या मिलेंगे फ्रेंड्स, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अम्ब्रेला है, इसके 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो 15 और 4 हो जाएंगे उस मेंबर के 19 पॉइंट्स। यहाँ पे भी अम्ब्रेला में उसका चिट खुला था, तो इसके 2 पॉइंट्स है, 19 और 2 हो गए उसके 21 पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स तो उसके फ्रेंड्स हो गए। अब उसके एक और पॉइंट्स ऐड होने बाकी है फ्रेंड्स, वो है उसके बचे हुए चिट्स के। अगर उस वो किसी भी डायरेक्शन से मेंबर बाहर निकल जाती हैं और उसके चिट्स अभी खुलने बाकी हैं, तो जितने चिट्स बचे हुए रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 चिट्स के उसे पॉइंट और मिलेंगे। यानी 21 उसका स्कोर था और 5 और ऐड हो गए हैं, तो 26 उस मेंबर के स्कोर हो गए हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर ऐसा होता है सारे चिट्स खोलने के बाद भी वो मेंबर उस बोर्ड से बाहर नहीं निकल पाता है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो गेम उसका वहीं ख़त्म हो जाएगा। और जिस पोजीशन में वो रहेगा, जैसे अगर वो इधर रहता है तो 1 पॉइंट्स, अगर वो यहाँ पे रहता है तो 2 पॉइंट्स, अगर इधर रहता है जिस प्लेस में वो रहेगा वहाँ जो पॉइंट्स लिखा हुआ है सिर्फ उसे उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे। अगर वो किसी अम्ब्रेला वाले जगह पे आया होगा और वहाँ उसने कॉइन रखा होगा, तो उस जगह के भी पॉइंट्स जैसे 2 है, 3 है या 4 है, वो उसके ऐड हो जाएंगे, इतने पॉइंट्स उसके ऐड हो जाएंगे। और जो मेंबर जिस डायरेक्शन से बाहर निकलता है उसके कार्ड के पीछे में जो पॉइंट्स होते हैं उस मेंबर के, वो पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। इस तरह से हर एक मेंबर अपना गेम प्ले करेंगे और जिसके सबसे ज़्यादा स्कोर होंगे वो इस गेम में विनर होंगे।